गुरुदास जी हम सबको समझा रहे हैं कि आ जाओ उस परमपिता परमात्मा की शरण ले लो, जिसकी पनह पीर पैगंबर, बड़े बड़े पीर पैगंबर जिसकी पनाह में है, मैं गरीब क्या गंदा। गुरुदास जी उच्चारण कर रहे हैं, सारी संगत ने बोलने की कृपालता करनी है। जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, 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 गरीब क्या गंदा, मैं गरीब क्या गंदा, जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा। सुन के ले खालिक से कसता मैं तेरा, 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 दे दीदार उम्मीद का दे दीदार उम्मीद का, दे दीदार उम्मीद का दे दीदार उम्मीद का, बेकरार जिया मेरा मैं गरीब क्या गंदा, जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, जिसकी पन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, 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 मैं गरीब दुनिया कहती है अमीरों के पास जाओ, दुनिया कहती है अमीरों को यार बनाओ, लेकिन मेरा सतगुरु यार गरीबां दा। गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं मैं गरीब साई हे परमपिता परमात्मा देख ले मेरी हालत, कई बार भूखा भी सोना पड़ता है, कई बार रात को तारों को देख देख कर ही रात गुजार देता हूं, कई बार गंगा के घाट पे बैठ के सारी रात सोच में गुजर जाती है। क्या सोचते थे गुरु रविदास? अपने बिजनेस के बारे में सोचते थे? किस चीज की चिंता थी गुरु रविदास जी को? अपने घर की चिंता थी?
नहीं गुरु प्रेमियों, देर वॉज ओनली वन एंड वन कंसर्न, एक ही चिंता थी, व्हाट विल हैपन टू माय कम्युनिटी, मेरे समाज का क्या होगा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाता। गुरु दास जी कह रहे हैं दिन रात एक ही चिंता है, एक ही दर्द है, एक ही गम है, एक ही दुख है, एक ही पीड़ा है, एक ही विडंबना है, एक ही त्रासदी है। क्या मेरी संगत पोच सोच दिन राती, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं ना, उनमें से एक भी सज्जन मेरे साथ खड़ा नजर नहीं आता। गर गया गुरु प्यारी साथ संगत जी, उस संत का अकेलापन आप क्या जाने, कि जिसके चरणों में सारी दुनिया पड़ी हो, जिसके चरणों में बावन राजे रानी आए, जिसके चरणों में बड़े बड़े छत्रपति राजा आए, लेकिन गुरुदास महाराज जी की आंखें तरसती थी कि कोई एक बंदा मेरे समाज का आके मुझे कहे कि साहिब जी मुझे भी नाम दान दो। गज के आंखों को जरा उस अकेलेपन का अंदाजा लगाओ, आज तुम इतने सारे बैठे हैं, ठंड है, लोहिया लेके बैठे हैं, और गुरु प्यारी साध संगत जी गुरुदास जी अकेले तनह ठंडी में बस यही चिंता में लगे रहते और कहते कि साहिब जी ये समाज मेरा नहीं जागता, पर तू ही है जो मुझे देख रहा है कि मैंने के लिए कितना संघर्ष रखा। साहिब जी लेखे में लगाना ये जीवन, कहते थे कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, आगे क्या जी, ये जन्म तुम्हारे दूर तक आवाज आनी चाहिए, जन्म तुम्हारे, ये गुरुदास जी की वाणियां है जो मंत्रों की तरह रटी होनी चाहिए हमारे, कहना आसान है ये जन्म तुम्हारे लिखे, मैं बरात भी लिखे मनी लगे, यहाँ भी कहीं चल रहे हैं, कहीं उठ रहे हैं, जरा सोचो तो कि लेखे लगाना कहते किसे, लेखा मतलब लिख के रख ले, जैसे हम कहते हैं कि लिख के रख ले, लिख के बात पक्की हो जाती है, ऑथेंटिक हो जाती है, लिख के बात कहा जाता है कि ज्यादा पक्की होती है, जुबानी से ज्यादा लिखित पे यकीन करो। तो गुरुदास जी कह रहे जन्म तुम्हारे लिखे, साहिब जी लिख के रख लो ये जन्म आपके लिखे लगा रही है। कह दिया ऐवे नहीं दुनिया पूछती बाबा तेरी तस्वीर, ऐवे नहीं पूछती, कुछ ना कुछ बात थी, ये लिख के बात कह के चले जाने वाला संत एक ही हुआ है, इसलिए दुनिया में संत है, संत होंगे, संतों से दुनिया कभी खाली नहीं होगी, लेकिन सच श्रोमणी गुरु रविदास बस एक ही होगा। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। त्याग जाता हो तो फिर नाम भी जाता होता है, गुरुदास जी ने त्याग इतना बड़ा कर दिया है कि हम रातों को जाग जाग के दुखेड़ी में अपने साहिब को याद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना, आपसे हाथ खड़े कर लेना सारे, अगर किसी कोई मुझे बता दे, जरा मुझे बताओ आपके दादे के दादे के दादे के दादे का नाम क्या था, ये मेरा चैलेंज है, अगर कोई बता दे कन्नू गोप अभी नहीं मिलेगा साहब, जहां मर्जी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा, गौर करो क्यों बता रहा हूं मैं बात, कि हमें अपने दादे के दादे के दादे के दादे का नाम नहीं पता, लेकिन हमें 640 साल पहले एक रहबर हुआ था काशी, उसका नाम बताए क्यों, रविदास महाराज की जय, क्यों पता है, क्योंकि गुरुदास महाराज जी अपनों के लिए नहीं जिए थे, गुरुदास जी हमारे सपनों के लिए जिए थे, जो अपनों के लिए जीता है उसके अपने भी उसका नाम याद नहीं रखते, झूठ बोल रहा तो बता दो, अपनों के लिए जो जीता है उसके अपने भी नाम याद नहीं रखते, जो कौम के सपनों के लिए जीता उसकी पीढ़ियां नाम याद रखती है। गज गया खो, जय हो दे, आज गुरुदास जी के नाम की धूमे मची हुई है, आज बाबा साहब के नाम की धूमे मची हुई है, भगवान वाल्मीकि जी के नाम की धूमे मची है, ऐवें नहीं जिंदगी लगा दी है उन्होंने, एक मिनट नहीं, पांच मिनट नहीं, एक दिन नहीं, एक रात नहीं, पूरा जीवन लेखे पे लगाया तब बात बनी है, इसलिए गुरुदास जी कह रहे हैं
हालत सिकसता मैं तेरा दे दीदार उम्मीद का बेकरार जिया मेरा मेरा जिया बेकरार है। रात रवीश कुमार ने एक बात कही, न्यूज देखते होंगे सारे, आपको पता है कि एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लगा है और रवीश कुमार ने एक बात कही कि बागों में बहार है। अगर ये बात कह दो तो सारे मानते हैं कि हाँ हाँ जी बहार है, लेकिन अगर कहो कि बागों में ना बहार है बल्कि फसलों की मार है तब आपको कहेंगे कि नहीं नहीं गलत बोल रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी हमें सही कनेक्शन परमात्मा से देते हुए बता रहे हैं कि बागों में बहार है, लेकिन बहार को ढूंढने के लिए खिजा के दौर से गुजरना होगा। गज गए आपको जय। अगर पानी चाहिए तो कुआं तो खोदना पड़ेगा, अगर मरुधान चाहिए तो मरुस्थल से गुजरना पड़ेगा, अगर रुतबा चाहिए संतों वाला तो जीने से पहले मरना पड़ेगा। गज गए आपको खालिक सिकस्ता मैं तेरा दे दीदार उम्मीदगार बेकरार जिया मेरा। जिसकी फन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या बंदार, जिसकी फन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या बंदार, जिसकी फन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या बंदार, मैं गरीब क्या बंदार, मैं गरीब क्या बंदार, मैं गरीब क्या बंदार, मैं गरीब क्या गंदा, 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 किसकी फन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, किसकी फन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, अव्वल आखिर इल्हे आदम मौज फरिश्ता बंदा, अव्वल आखिर इल्हे आदम मौज फरिश्ता बंदा, अव्वल आखिर इल्हे आदम मौज फरिश्ता बंदा, इसकी फन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या बंदा, इसकी फन है पीर पैगंबर मैं गरीब क्या बंदा, मैं गरीब क्या बंदा, सुन के जाए। कई लोग कहते हैं कि गुरु रविदास जी तो बेपढ़े थे, लेकिन गुरु रविदास जी की जिन्होंने वाणी पढ़ी है, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे सारे लोग, अगर उर्दू भी पढ़ी है, ये उर्दू नहीं गुरु रविदास जी कह रहे हैं, उर्दू की भी जो कहने वाली उर्दू है, खालिक सिकस्ता, खालिक बोलते हैं परमात्मा को जो खलकत बनाने वाला है, सिकस्ता बोलते हैं जो टूटा फूटा हो। गुरु रविदास जी कहते हैं तू दुनिया बनाने वाला साईं, मैं तो तेरा टूटा फूटा इंसान हूँ, खालिक सिकस्ता मैं तेरा दे दीदार उम्मीदगार बेकरार जिया मेरा, दीदार दे दो उम्मीद मिलूं, और मैं ही उम्मीद में नहीं बेकरार जिया मेरा। और आगे कह रहे हैं अव्वल आखर, अव्वल बोलते हैं पहले नंबर पे जाओ, आखर मतलब सबसे आखिर, परमात्मा को कह रहे हैं कि पहला भी तू आखिरी भी तू, इल्ह आदम तू ही परमात्मा है, तू ही आदमी, मौज तू ही अपनी मौज में रहता है, तू ही फरिश्ता है, तू ही बंदा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अभी चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम होना है और उसके बाबत एक पोस्टर छपा, वो मैं क्लियर करता चलूं,
क्योंकि बातों में मुझे वो बात याद आ गई, फरिश्ते से बात याद आई कि उस पोस्टर में लिखा मेरे नाम के आगे कि प्रवचन करता संत श्री रविशंकर जी महाराज। मतलब मैंने भी सुनकर झटका लगा भी कौन बंदा है। जब मैंने पढ़ा मैंने कहा कौन रविशंकर जी महाराज संत हो गए, तो कह रहे जी ये तो आपकी फोटो लगी हुई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उत्साह में, अरे संत तो ये है, संत तो संत निरंजन दास महाराज जी है, संत तो संत रामानंद जी थे। गुरु प्यारी साध संगत जी वो हमें सेवादार बना के गए हैं। आपसे आज यहाँ से वादा लेता हूँ कि मुझे अगर कहीं बिठाओ ना बिठाओ, लेकिन अपने दिलों में एक बात जरूर बिठा लेना कि मैं सेवादार हूँ, मुझे सेवादार ही रखना, तभी मैं आपके कुछ काम कर पाऊंगा। बना दो मुझे संत, करूंगा था अनुभव सागर के पार, यही डुब्बा के थम। हाँ मैंने सुना एक संत गुजर रहे हैं रस्ते से, सामने एक सांप पड़ा हुआ है और सांप अधमरा है और उसको कई सैकड़ों हजारों कीड़ियां लिपटी हुई हैं। अब आपको पता है कीड़ियां जो है वो पूरे ग्रुप में काम करा, कल्ली दल्ली नहीं चलती, पूरी टीम चला उनकी। इसको उन्होंने सीख ली बात जो गुरु हिदायत हमें सिखा रहे थे, वो कीड़ियों ने सुन ली। देखो आप पूरा हजूम का हजूम कीड़ियों का चलता है, ये उनका एक जीने का ढंग है। तो सांप अधमरा है, हजारों कीड़ियां सांप को लिपटी हुई है, कोई यहां से नोच लिया कोई यहां से, और सांप छटपट आ रहा है। संत गुजर रहे, संत के चेले भी गुजर रहे हैं, सुन के जरा काम आने वाली बात है। ये जो हम हर दर पे हमारा सर झुक जाता है ना, हमने तो सर नहीं बना रखा है, पता नहीं क्या है, हर जगह झुक जाता है। सुन के जरा, तो सांप को देख के संत के चेले कहने लगे महाराज जी ये सांप को अधमरा सांप हो गया, इसको कीड़ियां परेशान कर रही हैं, साहेब जी इसकी ऐसी दुर्गति हुई क्यों, इसके साथ ऐसी दुर्घटना क्यों घट रही है सांप के साथ। तो संत ने कहा भी घटनी थी। कह रहे क्यों जी, कह रहे सांप इस जन्म में बनाए, पिछले जन्म में ब्रह्म ज्ञानी बनकर घूमने गया था, करके आपको संत बना घूमता था और दिल से संत नहीं था, कपड़े डाल लिए, कपड़े डालने आसान है, 5 मीटर कपड़ा कहीं से भी मिलता, डाल लिए तो इसने भी बिजनेस बना लिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी चेलों ने अगला सवाल पूछा कि गुरु जी चलो ठीक है ये तो संत था, ये कीड़ियां क्या है। कह रहे कीड़ियां नहीं है, इसी जन्म में कीड़ियां हैं, पिछले जन्म में तो उसके चेले थे, कर गए आपको इनको लारा लगा दिया था इसने कि भव सागर से पार करूंगा, तो पड़ी हूं पीछा पीछा पेंडा नहीं छोड़ रही। कह रही कि जब तक भव सागर से पार नहीं करोगे गुरु जी आपका पीछा हम नहीं छोड़ते, तो हर जन्म में परेशान कर रही है। और इसने क्योंकि जब गुरु ही कच्चा हो तो शिष्य तो गुरु प्यारी साध संगत जी आपको पता ही है कि जब गुरु पूरा ना हो तो फिर शिष्य का अधूरापन तो क्या कहा जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसलिए गुरु हिदायत जी कह रहे हैं कि फरिश्ता तू भी है, हम फरिश्ते नहीं हो सकते, बंदा हम तो तेरे बंदे हो सकते हैं, गज गया खो। और बंदे होने में जो मजा है वो फरिश्ते होने में थोड़ी है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। सस्ता सौदा हम सब ढूंढते हैं, संत बनना आसान है लेकिन इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। तो आजा जरा गुरुदास जी क्या कह रहे हैं, जिसकी बने हैं पीर पैगंबर मैं गरीब क्या कहूंगा, हाँ जिसकी बने हैं पीर पैगंबर मैं गरीब क्या कहूंगा, मैं गरीब क्या कहूंगा, मैं गरीब क्या कहूंगा, मैं गरीब क्या कहूंगा, सुन के जरा, तू
हाजरा जोर जोगी और नहीं दूजा, तू हाजरा जोर जोगी और नहीं दूजा। जिसके इश्क आसरा नहीं जान मात क्या पूजा, जिसके इश्क आसरा उर्दू में बातचीत हो रही है, हिंदी में नहीं, सदुकड़ी में नहीं, संस्कृत में नहीं। ये कुर्मीदास जी हैं जो उर्दू के भी गाता थे, अरबी के भी गाता थे, संस्कृत के भी गाता थे। और गुरु कह रहे शासन में कुर्मीदास जी की वाणी पढ़ो, तमिल भाषा के भी शब्द मिलते हैं गज के आपको। जय गुरुदेव। और कई जगह तो कुर्मीदास महाराज जी हद ही कर देते हैं, अरबी भाषा के शब्द उनकी वाणी में मिलते हैं। तो जरा सोचो कितना घूमे होंगे, ज्यादा जगह घूमे होंगे तभी तो भाषाएं सीखी होंगी। बनारस में रहते तो बनारस की अवधि बोलते। तो कुर्मीदास जी अरब में गए थे, इसका प्रमाण मिलता है उनकी वाणी पढ़ने से कि उसमें अरबी के भी शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द हैं। अब देखो कुर्मीदास जी क्या कह रहे हैं, तू हाजरा हजूर, साहेब जी तू ही हाजिर है, मेरा सर तेरे आगे झुकता, किसी के आगे नहीं। गज गया को। ये सोच लो जरा कि गुरुदास महाराज जी की हम बातें करते हैं पर बातें मानते नहीं है। गुरुदास जी को मानते हैं, गुरुदास जी की नहीं मानते। गुरांदी कोई मनिया भी कर, सुन के जरा, गुरांदी कोई मनिया भी कर, गुरु रविदास दिए संताने तेरे चित चेते नहीं, जस गाया जीते जमाने। हम तो गुरुदास जी को धूपबत्ती अगरबत्ती तेल कई बार व्रत रख ले, परम पिता हाँ माताएं करती हैं, बहनें करती हैं, जी कहा व्रत रख लो अच्छा पति मिलेगा, हैं? संडे वाला दिन किसी और का मंडे गई और कच्ची लस्सी चट दी, अरे पति क्या मिलेगा, ये बैठेंगे साइड में दिन क्यों भी। अभी करवा चौथ गया, मैंने हैरान देखा बड़ा, मैंने मतलब दुनिया में बड़े बड़े आश्चर्य देखे हैं, लेकिन उस रात जो मैंने छलड़िया मैं देख रहे, मैंने सोचा कि छलनी मैं वही रहेगा, बदलने वाला तो है नहीं। और पतियों से पूछो इनकी हालतें भी ऐसी ही है, ये जब तुम व्रत रख रही होती हो माताओं तो ये सोच रहे हो जरूर रखना है कि जन्म वास्ता बहुत सात जन्म खून जे लगा। सच में पत्नी का अर्थ ये होता है, ये जितने भी कुमारे महापुरुष यहाँ पे घूम रहे हैं इनके चेहरे पे एक स्माइल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी अनमोल स्माइल लेके घूम रहे हैं। लेकिन जो विवाहित है उनको हंस तो रहे हैं, लेकिन उनके के पीछे वाला जो दर्द है आंखों से छलक रहा है। देखो चेहरा जो है, जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द बॉडी, आईज आर द इंडेक्स ऑफ द बॉडी, आंखें जो है वो पूरी हालत बयां कर देती हैं। किसी भी आईज से पूछ लो कि भाई कुमारों को बड़ी सलाह देंगे, शादी कर ले बेटे, करनी पड़ेगी जरूरी है तो। और अगर उनसे भी पूछ ले भाई तूने पर के करके क्या मिले, ऐसी दुख भरी कहानी सुना होगा ना कि यार मेरे को कोई समझाने वाला नहीं मिला था। ये छालते हैं, ये हमारी समस्याएं हैं। हम देखते हैं कहीं पे पत्रियां दिखा रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी हम सबको संदेश दे रहे हैं, सुन के जरा, तू हाजरा हजूर जोगी और नहीं दूजा, और कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही जोगी है, एक ही योगी है, एक ही भोगी है, वो परम पिता परमात्मा, बाकी हम सब कठपुतली। अगली पंक्ति सुन लेना, काम है आपके, आपने शायरी में भी इतनी अच्छी लाइन नहीं सुनी होगी, बड़े बड़े शायर होके गए,
लेकिन गुरुदास जी किस पंक्ति के आगे मिर्जा गालिब भी फेल है। गुरुदास जी कहते हैं जिसके इश्क आसरा नहीं क्या नमाज कबूल। ये बात पल्ले बांध लो। कई लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ याद कर रखे हैं, जो बड़े सीरियस बने रहा, लॉन्ग फेस्ड उनको बोलते हैं, बड़े उदास रहते हैं। गुरुदास जी कह रहे हैं कि ओ सजना, जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ रहे, जितने मर्जी वेद पढ़ रहे, अगर जीवन में प्यार नहीं तो क्या नमाज का पूजा। तेरी नमाज भी व्यर्थ है, पूजा भी व्यर्थ है, गज गया को। तो इसलिए गुरु प्यारी साध संगति, दिलों में पहले प्रेम जगाओ, दिलों में पहले सतगुरु के प्रति प्यार जगाओ। और गुरु प्यारी साध संगति, ये बच्चा रुड़ गया था, आपको एक एग्जाम्पल दूं। जैसे बच्चा माँ से बिछड़ा ना, इसकी आंखों से आंसू गए। संत कहते हैं कि इतना ही दर्द अगर किसी दिन तुम्हें महसूस हो जाए कि हम भी अपने पति परमेश्वर, हम भी अपने पिया से ऐसे बिछड़े हुए हैं, ऐसे आंखों से हमारे भी आंसू गए, तो जैसे माता जी आ गई है ना बच्चे को लेने, ऐसे खुद हो चल के आएंगे कि मेरे बेटे आ गई तुझे गज के आंखों। इतनी लगन तो जगाओ। देखो बच्चा रोया, माँ आई थोड़ी थोड़ी, माँ आती है, माँ जानती है, और वो तो हमारा गुरु प्यारी साध संगत जी माता भी है, पिता भी है। किसी दिन महसूस करके आंखों से अश्क बहा के तो देखो अश्क पहुंचने वाला कैसे ना है। जी गुरुदास जी कह रहे हैं जिसके इश्क आसरा नहीं क्या नमाज का पूजा। आइए जरा आगे गुरुदास जी से पूछते हैं कि क्या फरमा रहे हो। नाली दो जहनो जुते पर कम खिदमत बार तुम्हारा, नाली दो जहनो जुते पर कम खिदमत बार तुम्हारा, धर्मा का तो जवाब ना पावे कहर विकास बिचारा, धर्मा का तो जवाब ना पावे कहर विकास जमारा, विकास बिचारा मैं गरीब क्या बंदा, जिसकी पन है मेरी पैगंबर मैं गरीब क्या बंदा, जिसकी पन है मेरी पैगंबर मैं गरीब क्या बंदा, जिसकी पन है मेरी पैगंबर मैं गरीब क्या बंदा।